हाय फ्रेंड्स, दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमने डिफरेंट काइंड के कॉन्सेप्ट्स डेवलप किए हैं ताकि आपको हर चीज़ याद रह सके। यह कॉन्सेप्ट स्पेसिफिकली जो पाइल्स के, बवासीर के मरीज हैं, फिशर के मरीज हैं या जिनकी डाइजेशन अच्छी नहीं रहती, उनके लिए डेवलप किए गए हैं ताकि उनकी डाइजेशन ठीक रह सके और उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए, योगासन हम शुरू से हमारे इंडिया की कल्चर का एक पार्ट रहा है। हजारों सालों से योगा की इम्पोर्टेंस सबको पता है, और पर फास्ट लाइफ में, मॉडर्न वर्ल्ड में लोग इसको भूल चुके हैं और बहुत कम लोग हैं जो इसकी इम्पोर्टेंस को समझते हैं। पर यह बहुत ही इम्पोर्टेंट, वैल्यूएबल साइंस है। कोई भी आदमी अगर अपने इतिहास को भूल जाए तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो उसी क्रम में हमने सोचते हुए एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया है योगासन का, जिससे आपको इस बीमारी में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। उस कॉन्सेप्ट का हमने नाम रखा है मैप्स, MAPS। इसमें जो फर्स्ट वर्ड है M, M का मतलब है मत्स्यासन। मत्स्यासन को कॉमन लैंग्वेज में फिश पोज भी कहा जाता है। इसमें आप फिश के पोज में लेटते हो, वही पोज बन जाता है। इससे आपके पेल्विस के जो मस्कुलेचर है वो स्ट्रांग होती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट इसका बेनिफिट है कि आपकी जो थायराइड ग्रंथि है, जो हमारे शरीर में बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करती है, और स्पेसिफिकली जो हमारी इंटेस्टाइन की मोटिलिटी है, यानी कब्ज होना, डायरिया होना, इस समटाइम्स लिंक टू थायराइड ग्लैंड। तो अगर थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग अच्छी होती है तो आपकी डाइजेशन भी अच्छी रहती है, आपको स्टूल भी अच्छे से पास होता है। तो ये जो मत्स्यासन यानी फिश पोज है, अगर आप इसको प्रॉपरली करते हो तो इससे आपकी थायराइड ग्लैंड की जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर हो जाती है और बहुत फायदा मिलता है। सेकेंड पॉइंट है ए। ए से है अश्विनी मुद्रा। अश्विनी मुद्रा यानी घोड़ा जैसे स्टूल पास करता है। अगर आपने कभी उसको फिजिकली देखा हो तो स्टूल पास करने के बाद वो अपने स्फिंक्टर को पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, और उसके बाद जब दोबारा से स्टूल पास करता है फिर वो स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाता है, एंड देन अगेन ही कॉन्ट्रैक्ट इट वेरी प्रॉपरली। तो अश्विनी मुद्रा जो है आपको स्टूल पासिंग के टाइम नहीं करनी। जब आप स्टूल पास नहीं कर रहे, खाना खाने के आधा घंटा पहले और बाद में इसको नहीं करना। बाकी पूरा दिन आप जब भी बैठे हो आप इसको कर सकते हो। इसको करने का सबसे आसान तरीका है, जैसे मैं एक चेयर पर बैठा हूँ, पेट को पूरा अंदर को खींचना है, स्टूल वाले एरिया को पूरा अंदर को खींचना है, फिर जितनी देर होल्ड कर सको उतनी देर होल्ड करके रखना है, फिर छोड़ देना है। इस एक्सरसाइज को आपको मिनिमम 20 से 50 बार सुबह और 20 से 50 बार शाम को करना चाहिए। ये बहुत ही यूजफुल एक्सरसाइज है। इससे जो आपके स्टूल को कंट्रोल करने में मेजर रोल होता है स्फिंक्टर्स का, उसमें दो तरह के स्फिंक्टर होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल स्फिंक्टर ही हमारे स्टूल पासिंग के जो कंट्रोल है उसका जो मेन पॉइंट है वो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है। तो इस एक्सरसाइज को करने से आपका एक्सटर्नल स्फिंक्टर स्ट्रांग होता है, उसकी ब्लड सप्लाई बढ़ती है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, और आप अपने स्टूल पासिंग के प्रोसेस को और ज़्यादा कंफर्टेबल कर सकते हो। और जो लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहती है उनको इस एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। और कुछ लोगों को ऐसी प्रॉब्लम होती है कि स्टूल के साथ काफ़ी देर तक पॉटी आती रहती है, स्फिंक्टर वीक हो जाता है ओल्ड एज में, उनके स्फिंक्टर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। हमने एक 80 साल की लेडी जिसको सब तरफ से लोगों ने कह दिया था आप ठीक नहीं हो सकते, सिर्फ इस एक्सरसाइज से वो बिल्कुल ठीक हो गए। थर्ड पॉइंट है पी। पी का मतलब है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन एक ऐसी एक्सरसाइज है, अगर आप इसको प्रॉपरली करते हो तो इससे आपके पेल्विस के और लोअर बैक के जो मसल हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं, और जब मसल स्ट्रांग होते हैं तभी वो अच्छा काम कर सकते हैं। तो पवन मुक्तासन को करने से आपकी डाइजेशन अच्छी होती है, गैस प्रॉपरली पास होती है, खाना अच्छे से पचता है। क्योंकि देखिए, अगर आपका जो एग्जिट है वो प्रॉपर नहीं होगा तो फॉर श्योर आपको भूख अच्छे नहीं लगेगी, बॉडी में गैस, डिस्टेंशन, अफारा ऐसा लगता रहेगा।
पवन मुक्तासन को करने से आपकी गैस ठीक होती है, अफारा खत्म होता है, डाइजेशन बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। फोर्थ पॉइंट है एस। एस का मतलब है शीर्षासन। शीर्षासन एक बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। आपको सिंपल लेट के सिर का हिस्सा नीचे होना चाहिए, टांगे ऊपर होनी चाहिए। दैट यू कैन वेरी वेल चेक फ्रॉम यूट्यूब कि शीर्षासन कैसे प्रॉपरली करना है। पर मेरा मकसद आपको सिर्फ ये बताना है कि शीर्षासन को जब आप करते हो तो आपके सिर में ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है, पेल्विक एरिया में कम हो जाती है। और शीर्षासन को करने के बाद जब आप थोड़ी देर भी लेटते हो तो पेल्विक एरिया में फिर से ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है। जब किसी एरिया में ब्लड की सप्लाई बढ़ती है तो वहां के मसल स्ट्रांग होते हैं, वो एरिया की फंक्शनिंग प्रॉपर हो जाती है। तो शीर्षासन को करने से आपकी डाइजेशन इम्प्रूव होती है, आपके पेल्विक एरिया के मसल स्ट्रांग होते हैं और पेरिस्टाल्सिस इंप्रूव हो जाती है। अगर आप इन चार एक्सरसाइजेस को प्रॉपरली करते हो तो अगर आपको बवासीर है तो ठीक हो जाएगी, और अगर आपको बवासीर नहीं है तो नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।